जी सर, ताड़ियां मारो। बस जी असें टीवी सुनी, असें बड़ी अच्छी लगी, मन दी बात अच्छी लगने उप्पर असें सोचिया। दो त्रै साल होई गया मतलब इस सेवा आह्ली बक्खी असें इस बक्खी ध्यान नहीं कीता, हुण असें सोचिए असें मतलब काम शुरू किया दयालचक दे विच। ते इहदे विच असें सोचिया कि इत्थे बाथरूम नहीं है, 30-35 साल दा बड़े बारी इत्थे जिन्ने भी राजनेता होए सारें गी गलाया, लेकिन कुसै इस बक्खी ध्यान नहीं दिता। इस कारण असें की कीता कि इत्थे जिहड़े व्यापार मंडल न उंदा संजोग और जट बरादरी दा संजोग लेइयै जिन्ना होई सकता हा असें इसी बाथरूम गी बनाने वास्तै पूरी मतलब ओह कीती, मेहनत कीती, अपने लोन लिया जिहदे विच असें 5 लाख बैंक का लोन लिया, 1 लाख अपनी पे असें खर्चिया, 1 लाख जरा इतों के व्यापार मंडल ने ये उपर मतलब सेवा की है। इस कारण साड़ी कोशिश है कि बाथरूम के बिच लेडी बाथरूम असें बखरे बनाए, 2 लेडी बाथरूम न ते 1 नहाने वाला, इं मेल आली बखी भी 2 फ्लशन 4 बाथरूम न, 1 नहाने वाला है। ते बाकी जेड़े भी लोग राती आंदे जिन्हें कि रात रौहने वास्ते बड़ी मुश्किल आंदी है उनके वास्ते अस 2 कमरे जेड़े तैयार कराने हैं। ते अस चाहते हैं कि जेड़ी जिन्हें कोला ज्यादा ज्यादा कोला ज्यादा खर्चे सने कोई गल नहीं, लेकिन जेड़ा बैंक का लोन है 5 लाख रुपया। पेशे से आप क्या काम क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ, टीचर लगा हूँ प्राइमरी स्कूल सियाल जून बनोटी है, सीओ ऑफिस कठुआ है। तो सीओ साहब से भी हमारी बात हुई थी, सीओ साहब ने कहा बहुत अच्छा है बच्चा, अच्छा है, अच्छा तरह इसको नमाना। तो जी आज दयालचक में हमने ये शौचालय और ये जो कमरे बने हुए हैं इसका उद्घाटन किया है, बड़ी खुशी हुई है। ये एक शिक्षक द्वारा समाज में आगे आके ये कार्य किया गया है और उन्होंने ये समाज में एक मिसाल दी है कि एक शिक्षक की असली जिम्मेदारी क्या होती है। मुझे बड़ी खुशी हुई है जिन्होंने अपना पर्सनल इसमें इंटरेस्ट लेके और अपनी जेब से पैसे खर्च करके ये शौचालय बनाया है जो कि एक सराहनीय कार्य है। मैं इनको इसके लिए मुबारकबाद देता हूं, ये काफी मैं कहता हूं धार्मिक कार्य किया है इन्होंने। लगभग 100 गांव को जोड़ने वाला ये रोड है और ये नेशनल हाईवे से जुड़ता है और बिलावर खास विशेष तौर पर ये डिप्टी सीएम साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी भी है और ये उसको भी जोड़ता है। तो मैं कहता हूं कि ये समाज का और लोगों का भी ये काफी पुरानी मांग थी, इस दयालचक अड्डे पे लगभग 40 साल से ये लोगों की मांग थी कि यहाँ पे कोई शौचालय नहीं था, कोई स्नान ग्रह नहीं था, कोई विश्राम के लिए कमरे नहीं थे और एक शिक्षक होने के नाते समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए इन्होंने ये काफी सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपना पर्सनल पैसा इस पे लगाया है, मैं ये इनसे वादा करता हूं, मैं अपनी सरकार से ये अनुरोध करूंगा, अपने मिनिस्टर से ये अनुरोध करूंगा कि इनकी जितनी भी हो सके मदद की जाए ताकि ये एक प्रेरणा बने बाकी लोगों के लिए, ताकि लोग भी ऐसे कार्य के लिए आगे आए। यही मेरी इनसे ये मैं कहता हूं निवेदन है और इनसे मेरा ये वादा है कि मैं इनका जितना भी हो सका पूरी हेल्प करूंगा, ये मेरा इनसे वादा है। धन्यवाद।